हेलो मेरे प्यारे दोस्तों मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com तो चलो शुरू करते तो बच्चों जैसे कि आपको पता ही होगा आज हम लोग कर रहे हैं आपकी आईसीएससी क्लास सेवन का चैप्टर नंबर फोर एटॉमिक स्ट्रक्चर का दूसरा पार्ट मतलब ये दूसरा वीडियो है इससे पहले हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में जो पहला वीडियो था उसमें हम लोग ने कुछ कॉन्सेप्ट कवर कर लिए थे इस चैप्टर के ओके अब बचे हुए बाकी के कॉन्सेप्ट हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले साथ ही में एंड में हम लोग जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चले कि आपको कितना समझ में आया है ओके तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एंड Let's rock! इस वीडियो में बच्चा बोल रहा है कि देखो क्या पढ़ने वाले हम लोग पर एक बार मैं थोड़ा सा एक एक आपको हिंट मतलब ग्लिम्स देता पिछले वाले वीडियो में हम लोग ने एकदम बेसिक से शुरुआत की थी एटम्स क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं एटोमिसिटी क्या होती है और फिर रेडिकल्स क्या होते हैं वो सारी चीजें पढ़ी थी तो आपने अगर मिस किया होगा वो वीडियो तो बिल्कुल जाके वो वीडियो पहले देखना क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आपको थोड़ी बहुत मिल्क मतलब समझ में नहीं आएंगी अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पर जम कर रहे हो तो हम लोग बचा हुआ जो

पर ये सारी चीजें आपको तब समझ में आएगी जब आप प्रीवियस वाला वीडियो देख के आओगे ओके तो शुरू करते हैं हम लोग पहले टॉपिक से हमारे पहले से सिंपल सा वैलेंसी तो बच्चों अभी तक आपने ये वैलेंसी नाम का शब्द सुना नहीं होगा पर अब इस शब्द को थोड़ा बहुत दिमाग के चल के रखना है हमें क्योंकि एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट हमारे जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है वो शुरू हो रहे हैं इसके साथ साथ एकदम बेसिक सा कॉन्सेप्ट है आज से वी फॉर वैलेंसी ऐसे याद रखना इसको अभी एबीसीडी में वी का नाम अब वैलेंसी हो गया ओके okay, वायलिन नहीं हो गया करेक्ट करेक्ट चलो तो अब ये जो वैलेंसी है किसी भी एलिमेंट की या फिर रेडिकल की क्या होती है एक्चुअल में तो सिंपली पहले हम लोग एलिमेंट के वैलेंसी के बारे में बात करेंगे कि भाई क्या होती है एलिमेंट की वैलेंसी सिंपली उस एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उस एलिमेंट की वैलेंसी तो आप कहोगे सर अब ये कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब क्या करेक्ट तो अब हमारा जो एलिमेंट है उसका एटम है वो दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ कितना कंबाइन हो रहा है ओके okay, वो कहेंगे हम लोग उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी पर ये जो कंबाइनिंग कैपेसिटी नाम की जो चीज है ना तो वो जो दूसरा एलिमेंट का एटम है वो हम लोग यहां पर मान लेते हैं कि भाई हाइड्रोजन एटम के टर्म्स में समझेंगे हम लोग इस चीज को ओके okay, तो दूसरा एलिमेंट का एटम यहां पर हम लोग मान लेते हैं एक जनरलाइज करने के लिए हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम तो हमारे एलिमेंट के एटम की कंबाइन करने की कैपेसिटी विद द हाइड्रोजन एटम जितनी ज्यादा होगी कंबाइन करने की कैपेसिटी विद द हाइड्रोजन एटम ओके उतनी ज्यादा है है कंबाइनिंग कैपेसिटी हमारे एलिमेंट के एटम की ठीक तो देखो सिंपल शब्दों में अगर हम लोग कहेंगे कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग कैसे क्वांटिटेटिवली बताएं क्वांटिटेटिवली मतलब नंबर्स में कैसे बताएं भाई इस एलिमेंट के एटम की एक है इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी पर ये एक कैसे बताएंगे हम लोग तो अगर अगर आसान भाषा में अगर उस एलिमेंट का एटम एक हाइड्रोजन एटम के साथ कंबाइन हो रहा है तो मतलब उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी एक उसका मतलब उसकी वैलेंसी क्या हो गई एक सिंपल तो हमारे वैलेंसी का डेफिनेशन क्या हो गया इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ओके वैलेंसी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट क्या है भाई कितने नंबर ऑफ एटम्स कंबाइन हो रहे विद एटम ऑफ एन एलिमेंट

क्योंकि तीन हाइड्रोजन आइटम्स कंबाइन हो रहे हैं वन ऑफ़ नाइट्रोजन। ओके, तो तीन हाइड्रोजन आइटम्स मतलब वैलेंसी थ्री करेक्ट यहां पर सेम सिमिलर तरीके से अब आप बताओगे कि भाई साहब कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी ओके सामने ही है ओके कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं पॉज करोगे थोड़ा सोचोगे एक सेकंड का ही काम है मतलब दो ही सेकंड का काम है इसी से ही को करना है आंसर आ जाएगा आपको ओके आई होप आप बहुत होशियार हो तो आपको पता चल गया होगा देखो चार हाइड्रोजन आइटम्स के साथ हमारा कार्बन जुड़ रहा है इस मीथेन वाले मॉलिक्यूल में सी एच फोर मॉलिक्यूल में ये था अमोनिया ये था वाटर ये था हाइड्रोजन क्लोराइड ओके तो इस मीथेन वाले मॉलिक्यूल में चार हाइड्रोजन आइटम्स कंबाइन हो रहे एक कार्बन आइटम के साथ चार हाइड्रोजन आइटम्स कंबाइनिंग विद वन आइटम ऑफ कार्बन तो कितना हो गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स कितने चार तो वैलेंसी चार करेक्ट सिंपल था तो इस तरह से हम लोग ने समझा भाई एलिमेंट की वैलेंसी और एक तरीका है जिससे हम लोग एलिमेंट की वैलेंसी को डिफाइन कर सकते हैं को समझ सकते हैं वो वो दूसरा तरीका क्या है है भी हाइड्रोजन के टर्म्स में ही है। तो अभी हम लोगों ने देखा कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन हो रहे उस एलिमेंट के एटम के साथ जितने भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन हो रहे वो होगी उस एलिमेंट की वैलेंसी ओके यहां पर क्या है कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस किए जा रहे बाय द वन एटम ऑफ द एलिमेंट ओके ध्यान से समझना कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस किए जा रहे ओके okay, उखाड़ के फेंक दिए जा रहे मतलब हाइड्रोजन तेरी जगह पे मैं आ जाऊंगा ऐसे कह रहे हैं ओके okay, तो कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस किए जा रहे बाय एक एटम ऑफ दट एलिमेंट बाई एक एटम वन एटम ऑफ दट एलिमेंट तो अगर हम लोग के पास एक एलिमेंट का एटम है अगर वो दो हाइड्रोजन एटम की जगह ले रहा है तो इसका मतलब उस एलिमेंट के एटम की वैलेंसी है दो सिंपल तो उसी तरह से देखो सोडियम जो होता है ना वो एक हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस करता है एक सोडियम का आइटम एक हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस करता है ओके अब ये जो चीज है ना कैसे रिप्लेस करता है तो फिलहाल तो हम लोग ने अभी शुरुआत नहीं की है केमिकल रिएक्शन सीखने की ओके पर आगे आगे आपको समझ में आ जाएगा कई सारे reactions है ओके तो जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि भाई सोडियम जो है एक हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस कर रहा है एक ही ऐसा एग्जा, देना कि मैं अगर चाहू आपको ओके तो रिएक्शन तो लिख के नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आपको अभी फिलहाल तो समझ में नहीं आगेगा अगला ही चैप्टर हमारा है जिसमें हम लोग वर्ड्स के फॉर्म में रिएक्शन लिखेंगे तो थोड़ा बहुत वर्ड के फॉर्म में, में लिख के दिखाता ओके सिंबल के फॉर्म में थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं हम लोग तो वर्ड के फॉर्म में देखो मैं ऐसे लिखता हूँ सोडियम जो होता है ना ओके इसको अगर हम लोग रिएक्ट करवाएंगे मतलब उसका अगर हम लोग सपोज ऐसे कहो कि मिलन करवाएंगे ओके okay, मिलवाएंगे उससे उसको किससे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ओके okay, चलो देखो मुझे आदत हो गई है फॉर्मूलाज लिखने की तो मुझे अब वर्ड फॉर्म में लिखा नहीं जा रहा है पर कोई बात नहीं चलो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ठीक है तो क्या होता है मालूम है कुछ सोडियम सल्फेट नाम का प्रोडक्ट बनता है ठीक है, ओके और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाता है तो ये रिएक्शन में ना आप देखोगे अभी तो फिलहाल इतना समझने की डिटेल में जरूरत है नहीं, पर मैंने आपको एक रिएक्शन के एग्जांपल दिखा दी कि इसमें ना होता क्या है सोडियम जो है ओके एक सोडियम का एटम एक हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस कर देता है ओके तो ये कहानी है तो इसका मतलब अगर हमारा

इसका मतलब एक मैग्नीशियम का आइटम कितने हाइड्रोजन आइटम्स को रिप्लेस कर रहा है? दो. तो कितने है? दो. तो कितनी से हम लोग समझ सकते हैं इसी तरह के रिएक्शन से मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम सल्फेट नाम का कुछ कंपाउंड बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा ओके okay. पर मैं आपको अभी यहां पर इक्वेशन फॉर्म में नहीं लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको मतलब तकलीफ ना हो फिलहाल हम लोग क्लास सेवेंथ में अभी अभी शुरुआत किए हैं केमिकल रियक्शन के बारे में सुनने के बारे में अगले चैप्टर में हम लोग इस वर्ड रिएक्शन से थोड़ा सा यूज हो जाएंगे ओके तो थोड़ी बहुत चीजें समझ में आने शुरू हो जाएंगी क्लियर ठीक है तो फिलहाल तो इतना ही समझना है भाई एक सोडियम आइटम एक हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस करता है इसीलिए सोडियम आइटम की वैलेंसी वन एक मैग्नीशियम आइटम दो हाइड्रोजन आइटम को रिप्लेस करता है इसीलिए मैग्नीशियम आइटम की वैलेंसी

आप कैसे समझे सर कि भाई कंबाइनिंग कैपेसिटी क्वांटिटेटिवली कितनी है भाई एक है दो है तीन है चार है तो इसके लिए भी जैसे हाइड्रोजन आइटम्स को हम लोग ने लिया था एज अ स्टैंडर्ड पर हम लोग समझने के लिए ओके okay? रेडिकल्स की वैलेंसी कैसे समझ सकते हैं हम लोग तो अगर हमारे पास कोई रेडिकल दिया है तो वो रेडिकल कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन के आयन के साथ कंबाइन हो रहा है अगर वो एक हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन हो रहा है रेडिकल की वैलेंसी वन अगर दो के साथ कंबाइन हो रहा है रेडिकल की वैलेंसी टू तो समझ में आई बात तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंबाइंड विथ द रेडिकल ओके तो रेडिकल के साथ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन आय कंबाइन हो रहे है? वो है उसकी बैलेंस फॉर एग्जाम्पल क्लोरिन का ये जो रेडिकल है इसको हम लोग क्लोराइड कहते हैं okay. हम लोग लिस्ट देखेंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएंगी चीजें तो ये जो सी एल माइनस रेडिकल है क्लोराइड रेडिकल है देखो इसके ऊपर एक माइनस चार्ज है तो थोड़ा बहुत ऐसा दिमाग लगाना है हाइड्रोजन आयन के साथ कंबाइन होना है ना तो क्या करना है इसको ना चार्ज को बैलेंस करना है तो इसके पास हो जाएंगे। ओके, तो कितने हाइड्रोजन आयन कंबाइन हुए भाई एक ही हाइड्रोजन आयन कंबाइन हुआ इसलिए सीएल माइनस का वैलेंसी ही कितना हो गया भाई वन हो गया ओके एक सिंपल सी ट्रिक में बाद में बताने भी हूं आपको फिलहाल इस तरीके से समझ ले रहे हैं हम लोग चीजों को तो सल्फेट का आयन देखते भाई अब देखो सल्फेट के आयन का भी लॉजिक आप अब खुद भी लगा सकते हो देखो सल्फेट आयन जो है हमारा एसओ फोर टू माइनस ये जो रेडिकल है ओके आयन रेडिकल एक चीज होती है मैंने बताया था वाली वीडियो में तो ये जो सल्फेट का टू माइनस वाला रेडिकल या फिर आयन कह लो इसके पास दो नेगेटिव चार्जेस है हमारे हाइड्रोजन आयन के पास बिचारे के पास एक ही पॉजिटिव चार्ज है एक ही पॉजिटिव चार्ज है तो भाई एक हाइड्रोजन आयन से तो काम नहीं बनेगा ओके ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि दो नेगेटिव चार्ज को झेलने के लिए दो पॉजिटिव चार्ज आ जाए कहीं से तो दो पॉजिटिव चार्ज तब आएंगे जब दो हाइड्रोजन आएंगे बन रही ना बात ओके अगर इसके पास एक ही पॉजिटिविटी है तो तो दो जन आएंगे तो 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 टू तो प्लस हो गया ओके दो एक हाइड्रोजन के पास एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे के पास दूसरा ओके ये दो एच प्लस का मतलब होता है देखो ऐसा एक एच प्लस

अब वैसे ही हम लोग ने कितने हाइड्रोजन आयंस कंबाइन हो रहे है, उसके हिसाब से देखा अब कितने हाइड्रोजन आयंस रिप्लेस कर सकता है हमारा रेडिकल उसके हिसाब से देखते हैं तो जितने भी हाइड्रोजन आयंस रिप्लेस कर सकता है ना हमारा रेडिकल वो होगी उसकी वैलेंसी सिंपल देखा नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयंस रिप्लेस्ड बाय द रेडिकल तो एक रेडिकल अगर एक हाइड्रोजन आयन को रिप्लेस कर पा रहा है तो मतलब उसकी वैलेंसी वन दो को रिप्लेस कर पा रहा है मतलब उसकी वैलेंसी दो तीन को रिप्लेस कर पा रहा है मतलब उसकी वैलेंसी तीन समझ में आ गई बात तो अब कैसे समझे सर कैसे समझे कैसे हम कि भाई कोई रेडिकल कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन को रिप्लेस करे आपने तो पिछले वाले में बता दिया कि ये तो आप आगे पढ़ लोगे ओके जब रिएक्शन समझोगे अब इस वाले में क्या ही क्या ही चीज है अब ये भी ऐसी कुछ बिल्कुल नहीं यहां पर मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा ओके तो देखो जो भी रेडिकल देख रहे हो आप अब पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल जो होगा ना ओके उनकी बात कर रहे हैं हम लोग तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल है दिख रहा है आपको positively charge मतलब उनके ऊपर तो जितने positive charges है भाई साहब, उतने ओके okay, यहां पर हमें एच प्लस आय को वो रिप्लेस करेंगे कैसे देखो एक पॉजिटिव चार्ज है एच प्लस के पास भी एक पॉजिटिव चार्ज है तो एक रेडिकल एक को रिप्लेस कर देगा यहाँ पर देखो एन एच फोर प्लस आलमोनियम आयन है इसके ऊपर भी एक एक चार्ज है तो वो एक H को रिप्लेस ले सकता है क्योंकि इसके ऊपर भी वन प्लस चार्ज है इसके ऊपर चार्ज, चार्ज है ओके पर अब देखो सीए टू प्लस कैल्शियम का रेडिकल ओके अब जब कैल्शियम का रेडिकल आएगा तो इसके ऊपर तो दो प्लस चार्जेस है बिचारा H प्लस के पास एक ही प्लस चार्ज है तो अब इसको अगर आना है इसके जगह पे तो सिर्फ वो एक H प्लस के जगह पे नहीं आ सकता इनबैलेंस हो जाएगा ना भाई देखो इसके पर सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर दो पॉजिटिव चार्जेस है ओके? तो दो पॉजिटिव चार्ज है तो उसको बैलेंस करने के लिए दो पॉजिटिव चार्ज चाहिए तो दो पॉजिटिव चार्ज मतलब दो एच प्लस आयस को रिप्लेस करेगा एक कैल्शियम टू प्लस का रेडिकल दो एच प्लस आयस को रिप्लेस करेगा ओके देखो दो प्लस चार्जेस दो प्लस चार्जेस तो जितना इसके पास चार्ज उतना ही उसको सामने वाले के 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 पास 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 चार्ज 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 चाहिए सामने वाले के पास मतलब H H प्लस प्लस आयंस आयंस अब बेचारा एक ही चार्ज होता है पर सामने इसके वाले के पास जो रेडिकल है रेडिकल के पास जितना भी चार्ज है उसके हिसाब से हम लोग नंबर ऑफ H प्लस आयंस लगा देंगे ओके इसके ऊपर दो प्लस चार्जेस है तो हमको पता चल जाएगा कि भाई हमारे H प्लस के पास एक ही प्लस चार्ज है इसको अगर यहाँ पर दो प्लस है यहाँ पर भी दो प्लस करना है तो टू इन टू एच प्लस कर दो तो दो प्लस चार्जेस हो जाएंगे ओके यहाँ पर थ्री प्लस रहेगा सपोज जैसे कि एल्यूमिनियम का केस है एल्यूमिनियम थ्री प्लस आगे वाला ही देखो ओके तो हमारे एच प्लस के पास तो एक ही पॉजिटिव चार्ज है तो ऐसे हमें तीन एच प्लस आयंस लगेंगे राइट तो जाके बराबर ही होगी और फिर फिर ही जाके ये इसको रिप्लेस करेगा ओके क्योंकि ये इसकी जगह तब लेगा जब इसकी और इसकी बराबरी होगी ना भाई ओके कोई किसको कब रिप्लेस करेगा जब वो उसके बराबर का हो जाएगा तब करेक्ट आप भी सपोज आपके पापा के अगर कोई चप्पल होंगे या फिर कोई शूज होंगे तो वो कब पहनोगे जब आपके पाव आपके पापा के पाव के बराबर होंगे तब ना ऐसे ही थोड़ी कि आपके पाव इतू से है और पापा के पाओ बड़े बड़े तो आप उनके चप्पल पहन के चलने लगे गलत हो जाएगा ना गड़बड़ हो जाएगी वैसे ही कुछ रेडिकल्स भी करते ऐसे ही कोई भी उठ के किसको भी रिप्लेस नहीं करता ओके तो ये जो रेडिकल्स है

वो हो गई उसकी वैलेंसी तो देखो कैल्शियम की वैलेंसी दो एच प्लस को रिप्लेस किया मतलब दो है ओके यहां पर दो ये दोनों की एक एक ही है मैंने पहले बताया था अभी करेक्ट और इसने अगर अब इसने तो देखो तीन एच प्लस को रिप्लेस किया तीन एच प्लस को रिप्लेस किया तो मतलब वैलेंसी कितनी हो गई भाई तीन हो गई ओके तो ये जो तरीका था हम लोग का मतलब वैलेंसी ऑफ रा, रेडिकल को समझने का आई होप आपको समझ में आ गया होगा ओके okay. अब हम चार है ओके okay. तो शुरुआत हम लोग करते हैं बेसिक रेडिकल है। अब देखो आप खुद यहां पर वीडियो पॉज करो और खुद याद करने की कोशिश करो बेसिक रेडिकल्स का चार्ज कौन सा होता है एकदम सिंपल सा सवाल है ओके okay. पॉज करना सोचना आंसर आपको तो आगे समझ में आ जाएगा ओके तो आई होप आपने आंसर आंसर समझ लिया होगा होगा मतलब आपको आ गया बेसिक कौन से होते हैं देखो नेगेटिवली चार्ज रेडिकल एग्जाम्पल्स मैंने लिए हुए मतलब मतलब तो मतलब तो देखो ओके पॉजिटिवली बेसिक रेडिकल्स मतलब पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल्स करेक्ट अब इंटरेस्टिंग चीज देखो आप अगर इन रेडिकल्स को देखोगे ध्यान से तो हर एक रेडिकल के ऊपर जितना भी पॉजिटिव चार्ज है उतनी ही है उस रेडिकल की वैलेंसी खत्म ओके तो चार्ज इज इक्वल्स टू वैलेंसी एज सिंपल एज दट ये इतू सा रिलेशन है भाई तो अगर आपको कोई रेडिकल की वैलेंसी पूछ ले तो ये जो महाभारत हम लोगों ने थोड़ी देर पहले किया था ये करने की जरूरत भी नहीं है क्या ही देखना है सिर्फ उस रेडिकल का चार्ज देखना है भाई अगर चार्ज टू प्लस, थ्री प्लस ऐसा कुछ है फोर प्लस है तो हम लोग जो प्लस माइनस को भूल जाएंगे जो भी लिखा है तो चार्ज तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रहेगा तो जितना पॉजिटिव है नेगेटिव है मतलब पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो भूल जाना है कितना पॉजिटिव है फिर कितना नेगेटिव है टू प्लस है ना तो उसमें से प्लस को भूल जाना है टू को रखना है सिर्फ दो उसकी दो होगी वैलेंसी ओके थ्री प्लस है तो देखो मैंने यहां पर प्लस को हटा दिया थ्री थ्री हो गई उसकी वैलेंसी सिंपल तो अब आपको क्या करना है आपको इन रेडिकल्स के नाम इनके चार्जेस के साथ याद रखने हैं ओके हर एक साल आप यही कर, करते रहोगे अगले साल भी क्लास एट में भी कहीं ना कहीं इनका जिक्र होगा रेडिकल्स का ओके क्लास नाइन्थ में फिर से हम लोग चैप्टर नंबर वन में इनको फिर से रिवाइज करेंगे इनमें कुछ और एडिशंस भी हो जाएंगे ओके okay, पर ये थोड़े बेसिक से रेडिकल्स है बेसिक रेडिकल्स में भी बेसिक से रेडिकल्स मैंने लिखे हुए हैं और थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड रेडिकल्स आ जाएंगे बाद में बाद में फिलहाल तो इन बेसिक रेडिकल्स को आप बेसिक वाले बेसिक रेडिकल्स को एकदम ओके okay, इजी वाले बेसिक रेडिकल जो मैंने यहां पर लिखे हुए हैं उनको याद कर लो ओके okay, तो एक एक करके देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन आप देखो H प्लस है उसका सिंबल उस रेडिकल का और वैलेंसी है वन

आयरन टू लिखा हुआ है तो आयरन टू प्लस सिंबल याद रखना तो इसकी सिर्फ आपको चार्ज याद रखना है कौन से रेडिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है सोडियम के ऊपर गलती से टू प्लस लिख देना गड़बड़ ही कर दोगे पूरी की पूरी सोडियम पोटासियम सिल्वर ये है वन वाले ओके okay, क्लियर हो गई बात ओके okay, फिर अमोनियम ये भी वन वाला ये तो मैग्नीशियम एमजी टू प्लस कैल्शियम सी ए टू प्लस, टू, टू प्लस ये टू वाले तो कोई गड़बड़ नहीं करना है हमें ओके अब हाँ जो सिल्वर वाला है इसमें और एक वाला आता है आयन रेडिकल ए जी टू प्लस वाला भी आता है फिलहाल तो एजी वन प्लस पर ही हम लोग रुक रहे Ag2+ टू प्लस वाला नहीं देख रहे ओके। पर यहां पर देखो आयरन का Fe2+ वाला देखा हम लोग ने तो आयरन टू लिखा है तो मतलब Fe2+ लिख देना है कॉपर टू लिखा है तो मतलब कॉपर टू प्लस लिख देना है आयरन थ्री लिखा है तो मतलब आयरन थ्री प्लस लिख देना है क्लियर ओके एल्यूमिनियम का ए एल थ्री प्लस होता है गोल्ड का एस टिन फोर एस एन फोर प्लस प्लेटिनम फोर पीटी फोर प्लस अब जो भी चार्ज लिखोगे मैंने तो बता दिया आपको सिंपल सी ट्रिक प्लस माइनस हटा दो उसको मार दो तो गोली जो भी नंबर है वही होगी उसकी वैलेंसी खत्म वैसे ही एसिड रेडिकल्स की अगर बात करें तो अब कौन से कौन से कौन से चार्ज वाले होंगे अब ये वाली क्या? मतलब अब पिछले ही स्लाइड पर हम लोग ने देखी थी डिस्कवर कर लेता एसिड रेडिकल्स ए ए सेम रेडिकल नेगेटिवली चार्ज एसिड रेडिकल्स नेगेटिवली ठीक है चलो तो ये जो नाम है अब ये एसिड रेडिकल्स के नाम है तो करके देख लेते हैं इनमें भी वही सेम पैटर्न चार्ज इज इक्वल्स टू वैलेंसी तो एसिड रेडिकल्स तो के ऊपर जितना ही चार्ज है ओके वो ही उसकी वैलेंसी है बस चार्ज के सामने से नेगेटिव हटा देना है जो नंबर है उसकी वैलेंसी बन जाएगी क्लोराइड के ऊपर वन माइनस चार्ज है तो माइनस हटा दिया वन माइनस को गोली मार दी वन रखा तो वन उसकी वैलेंसी करेक्ट वैसे ही तो देखो क्लोराइड सी एल माइनस okay, ओके सिंबल उसका है वन माइनस तो माइनस को हटा दिया वन को रखा वैलेंसी वन ठीक है ब्रोमाइड बी माइनस वन आयोडाइड आई आय माइनस वन तो चार्ज वन माइनस तो वैलेंसी वन खत्म हाइड्रोक्साइड ओ माइनस वन मतलब वन माइनसिटेट तो का सी एस थ्री सीओ माइनस वन नाइट्रेट एन ओ थ्री माइनस वन नाइट्राइट तो ये देखो ये जो रिलेशन है ना थोड़ा बहुत मैं आपको बनाने की सिखाता हूं क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड नाम से, से याद रखो क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड एक लाइन में क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड खत्म ओके okay. तो सीएल माइनस बी आर माइनस आई माइनस सबके पास माइनस 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 एक ही माइनस चार्ज हाइड्रोक्साइड ओ OH एच माइनस okay. ओके ये ये आपको बहुत ही काम में आएगा आगे तो हम लोग बहुत देखेंगे हाइड्रोक्साइड को एसिटेट ये थोड़ा सा अलग है नया है तो इसका ऐसे याद रख लो सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस ओके आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे कुछ चीजें पढ़ोगे अभी कुछ फिलहाल इसकी कोई मतलब डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं कुछ नाइट्रेट नाइट्राइट ये दोनों भाई भाई ऐसे समझ लो तो थोड़ा बहुत पास पास में इसलिए मैंने जानबूझ के लिखा था कि आपको आसान ही हो याद रखने के लिए तो देखो नाइट्रेट और नाइट्राइट में जब नाइट्रेट आएगा ना तो एनओ थ्री माइनस होगा ऑक्सीजन एक हम लोग मतलब एनओ थ्री होगा ऑक्सीजन ज्यादा होगा एनओ थ्री माइनस और जब नाइट्राइट होगा ना तो नाइट्रेट में से एक ऑक्सीजन को कम करना है तो नाइट्रेट याद रख लो सिर्फ एनओ थ्री माइनस नाइट्राइट दिखेगा तो एक ऑक्सीजन कम करना है चार्ज उतना ही रखना है तो देखो एक ऑक्सीजन कम किया एनो टू चार्ज उतना ही रखा एन टू माइनस तो नाइट्राइट का फॉर्मूला भी याद हो गया वैसे ही बायकार्बोनेट जो है ना ओके okay, इसको हम लोग और ये जो बायसल्फेट है बायसल्फाइट है इसको हम लोग याद रखेंगे कार्बोनेट सल्फेट सल्फाइट से कैसे देखो कार्बोनेट याद है कार्बोनेट सीओ थ्री टू माइनस दिमाग में चिपका के रखो ओके देखो अब टू माइनस है तो टू वैलेंसी है। सल्फेट का एसओ फोर टू माइनस दिमाग में चिपका के रखो सल्फाइट का अब देखो एट है ना यहां पर तो नाइट्रेट था तो नाइट्रेट का था एनओ थ्री माइनस सल्फेट का है एसओ फोर टू माइनस जब आइट आएगा आइट तब एक ऑक्सीजन कम किया हम लोग ने नाइट्रेट में से ठीक है बाकी चार्ज ही रखा एनओ टू माइनस हो गया

अब क्या करना है बाय कार्बोनेट बायसल्फाइट और बायसल्फेट या फिर बाइकार्बोनेट बाईसलफेट बाईसलफेट इनको कैसे याद रखे भाई क्या ही करना है मालूम है इनमें कार्बोनेट में एच लगाना है कार्बोनेट से पहले तो एच सीओ थ्री हो जाएगा और एक माइनस चार्ज कम करना है बस ओके तो देखो बाय कार्बोनेट में एच लगाना है सीओ थ्री टू माइनस के पहले तो देखो एच लगा दिया टू माइनस के पहले और टू माइनस में से एक माइनस कम कर दिया तो एक एच एड कर दिया एक माइनस कम कर दिया बस कार्बोनेट में से कार्बोनेट में एक एच एड कर दिया पहले उसमें से एक माइनस कम कर दिया ठीक है तो बाय कार्बोनेट बन गया ओके इसको हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं ठीक है तो बाय कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट बात सेम होगी तो याद रखना है बाय कार्बोनेट का दूसरा नाम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट से पहले हाइड्रोजन लगाना है तो देखो कार्बोनेट से पहले हाइड्रोजन लगाना है पर जैसे ही हाइड्रोजन लगाओगे एक माइनस चार्ज कम कर देना है तो हाइड्रोजन लगाया पहले तो सीओ थ्री टू माइनस में से एक माइनस चार्ज कम कर दे तो सीओ थ्री माइनस हो गया तो हाइड्रोजन पहले लगा दिया एच फिर सीओ थ्री टू माइनस में से एक कम कर दे तो माइनस तो एच सी थ्री माइनस हो गया टोटल वैसे अब बाई सल्फेट का कैसे होगा सल्फेट से पहले एच लगा देंगे हम लोग तो एच देखो एच एस ओ फोर ओके पर एसओ फोर टू माइनस था तो एक करेंगे तो माइनस हो जाएगा सिर्फ तो एच फोर माइनस समझ में आगे बात बाई सल्फाइड का क्या होगा सल्फाइड था एसओ थ्री, तो थ्री हो गया एक एच एड कर दिया अब SO3 2- थ्री टू माइनस में से एक माइनस कर दो तो एच थ्री माइनस देखो एच थ्री माइनस ओके तो सिंपल सी ट्रिक है बाय मतलब हाइड्रोजन पहले ऐड कर दो और फिर जो भी सल्फेट कार्बोनेट सल्फाइड जो भी होगा उसमें से एक माइनस चार्ज कम कर दो और एक साथ लिख दो खत्म क्लियर चलो तो हाइड्रोजन ऐड कर दिया बाकी एक माइनस चार्ज कम कर दे, एक साथ लिख दिया खत्म तो ये भी हो गए देखो बाय सल्फेट बाय सल्फाइट बाय कार्बोनेट भी हो गए ओके यहां पर कार्बोनेट सल्फेट सल्फाइड भी हो गई याद

हटा दो नंबर कितना है two, ही, two, खतम। okay, sulphate, के में भी एकदम कुछ नया अजीब मोस्टली कहीं ना कहीं क्रोमियम नाम का एलिमेंट है ना इस क्रोमियम नाम का एलिमेंट और ऑक्सीजन जो है इनका कुछ मिली होता है और कुछ एक आयन बन जाता है अजीब सा फॉर्मूला है आपको लगेगा अभी पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉम्पाउंड है बहुत ज्यादा हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं मतलब इस डाइक्रोमेट से पहले जब हम लोग पोटासियम लगाएंगे तो वो एक पोटासियम डाइक्रोमेट नाम का कंपाउंड बनता है बहुत ही मस्त कंपाउंड है ओके बहुत इसका इस्तेमाल होता है तो इसीलिए भाई इसका रेडिकल पढ़ना जरूरी है ओके, इसलिये इसलिये पढ़ है ओके इस्तेमाल इसलिए पढ़ रहे हो कि ऐसे फालतू में किसी को भी नहीं पढ़ रहे हम लोग ठीक है तो डाइक्रोमेट तो में सी आर टू ओ सेवन टू माइनस ओके उसका रेडिकल का फॉर्मूला सीआर टू ओ सेवन टू माइनस ऐसे याद रख लो ओके तो ये जो है सी आर टू ओ सेवन टू माइनस इसका बैलेंस ही टू सिंपली टू माइनस है तो टू

वन टू ट्वेंटी जो हमारे पहले बीस एलिमेंट है ओके उनके नाम तो हम लोग ने अब अच्छे से याद कर लिया है तो वो जो पहले बीस एलिमेंट्स है ये बीस एलिमेंट्स की वैलेंसीज हम लोग देखेंगे, तो इनकी भी वैलेंसीज वन टू थ्री या फोर होंगी कुछ कुछ की तो जीरो भी होंगी चलो देखते हैं हम लोग शुरुआत करेंगे तो मैंने कुछ जानबूझ के ऐसा एक हॉरिजॉन्टल टेबल बनाया हुआ है दो अलग अलग टेबल्स बनाए हुए मैंने बस एलिमेंट्स के सिंबल्स लिखे हुए और उनकी वैलेंसीज नीचे नीचे लिखी हुई ओके okay, तो ये ये है है भाई हमारे सिंबल्स उनकी वैलेंसीज ठीक है ये है सिंबल्स ये है उनकी वैलेंसीज बात समझ में आ गई तो सिंबल अब शुरू हो रहा है पहले वाले एलिमेंट से हाइड्रोजन से तो हाइड्रोजन हीलियम अब देखो हाइड्रोजन जो लिखा है मैंने इसका हम लोग वैलेंसी वन मानने के चलते क्योंकि हम लोग ने वैलेंसी को डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन ना तो भाई उसको हम लोग वन दे देते भाई तू वन ले ले तो चुपचाप बैठ ले ऐसे समझ के हम लोग उसको वन दे देते ठीक है पर अब हीलियम आता है तो हीलियम की वैलेंसी शून्य है ओके अब इसकी वैलेंसी शून्य क्यों है भाई इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी ही जीरो है क्यों क्योंकि ये जो एलिमेंट होता है ना ये कंबाइन नहीं करता किसी के साथ ओके okay, अब किसी अब हाइड्रोजन के साथ नहीं कंबाइन करता सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन के टर्म्स में ही समझ ना वैलेंसी को तो ये हाइड्रोजन के साथ कंबाइन नहीं करता ये तो खुद के साथ भी नहीं कंबाइन करता सोचो तो मतलब कितना ही नेग्लिजेंट एलिमेंट है कितना ही शांत टाइप का एलिमेंट है भाई इसको ना ऐसा मान लेते कि कोई हमारे क्लासरूम में हमारा दोस्त है ओके okay, वो हमारा दोस्त भी नहीं है ऐसे समझ लो एक कोने में चुपचाप बैठा रहता है किसी के साथ कुछ बात नहीं करेगा किसी के साथ भी कुछ भी बात नहीं करेगा ओके okay. तो फिर प्रॉब्लम है ना कुछ तो प्रॉब्लम है भाई तो ऐसा प्रॉब्लम वाला ही एलिमेंट है ये हीलियम ओके भाई मजाक कर रहा हूं कुछ प्रॉब्लम नहीं इसमें इसकी ये नेचर है इसकी फितरत है ओके okay, रिएक्ट ना करना या फिर किसी के साथ कंबाइन ना होना या फिर यहां पर हम लोग कह रहे हैं हाइड्रोजन के साथ तो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन ना होना तो शून्य होगी ओके okay, फिर यहां पर देखो लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन तो ये एलिमेंट्स हम लोग आगे आगे जैसे जैसे जा रहे वैलेंसी देखो इनकी वन टू थ्री फोर ओके बढ़ रही है फिर बाद में कार्बन के बाद अचानक से अब हमको लगेगा कि भाई भाई नाइट्रोजन आ रहा है, तो बढ़ते -बढ़ते तो रहा है है तो वैलेंसी वैलेंसी होनी चाहिए चाहिए बढ़ते-बढ़ते पर उल्टा हो थ्री टू वन और जीरो होते होते, तक आ जाती तो से 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 है सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन ये चारों भाई एकदम एक लाइन में आ रहे

ओके okay, फिर से फोर से जीरो तक आ गई और फिर से अब पोटेशियम और कैल्सियम वन टू ओके तो ऐसे कुछ याद रख लो वन और हीलियम तक फिर वन टू फोर फोर के बाद जीरो तक तो वो जो कुछ गाना है ना उसके हिसाब से मैं गाऊंगा नहीं ठीक है तो वन जीरो वन टू फोर और फोर टू जीरो फिर से वन टू फोर फोर टू जीरो फिर से वन टू तो शुरुआत वन जीरो वन टू फोर फोर टू जीरो याद रह गया फोर टू जीरो और फिर बाद में देखो वन टू फोर फोर टू जीरो हमारे एलिमेंट्स की और और लिस्ट के लेवल पर पहले बीस एलिमेंट्स से ही लेन देन है ज्यादा नहीं हमें कुछ लेना देना आगे एलिमेंट्स से आगे के एलिमेंट्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं आप हायर क्लास में जाओगे तो बिल्कुल पढ़ेंगे हम लोग उनको करेक्ट ओके ओके तो बच्चों अब हम लोग ने पहले ट्वेंटी एलिमेंट्स की वैलेंसीज को देख ली एक पैटर्न देखा हम लोग ने राइट कि भाई वन से लेके फोर तक फोर से लेके फिर से जीरो फिर से लेके फिर से वन से लेके फोर फोर से लेके फिर से जीरो तो इसी चीज को ना हम लोग थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे हमारे पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर के साथ

सोचा कि अच्छा होगा टैबुलर अरेंजमेंट करना तो ऐसा हम लोग ने अरेंजमेंट कर दिया टेबल फॉर्म का अरेंजमेंट कर ताकि हम इन एक एलिमेंट्स को सिस्टमैटिक वे में पढ़ सके ओके तो ये देखो आपके सामने है चमत्कार एलिमेंट्स मतलब के पीरियोडिक टेबल है भाई चमत्कार है क्योंकि इसको बनाने के लिए न जाने कितने ही लोगों ने कितने ही एफर्ट्स डाले हैं ओके और जब ये पूरी तरीके से ऐसे बन गया है तब जाके हम लोग मतलब शुरुआत से ही पढ़ रही है पढ़ ही रहे हैं हम लोग एलिमेंट्स के बारे में पर एक बार ऐसे पूरा का पूरा इतना बड़ा एक एलिमेंट्स का टेबल बनने के बाद बहुत ही आसानी से हम लोग एलिमेंट्स को पढ़ना शुरू कर दिए ओके तो हमारी जान जो है वो कम खर्च होने लग गई ओके हमारे एफर्ट जो है वो कम खर्च होने लग गए एलिमेंट्स को पढ़ने के लिए ओके इस पीरियोडिक टेबल की वजह से अब ये जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है ना ये किस पर बेस्ड है उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है ओके तो इस चीज़ के बारे में इतना इंडक जाना नहीं हमें बस एक बार ऊपर से समझना था कि भाई कैसे एलिमेंट्स को अरेंज किया है ओके इन द टैबुलर फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ रोज जो हॉरिजॉन्टल होते हैं उनको हम लोग रोज कहते हैं जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको मतलब जो वर्टिकल होते हैं हम लोग उनको कॉलम्स कहते हैं टेबल में राइट right? वर्टिकल वाले जो ब्लॉक्स होते हैं तो यहाँ पर ऐसे ही टेबल अरेंजमेंट है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ओके okay, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में ओके बेस्ड ऑन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट हम लोग ने इनको अरेंज कर दिया इस टेबल के फॉर्म में ओके okay, अब ये जो टेबल है ना इसके जो हॉरिजॉन्टल रोज है इनको पीरियड्स कहते हैं हम लोग ओके okay, और उनका नंबरिंग हम लोग ने किया तो जो ऐसे रोज आपको दिख रहे हैं? ऐसे यहां से लेके स्टार्ट हो रहा है देखो वो ऐसे यहां से लेके स्टार्ट हो रहा है ओके ये वाला पहला ओके फिर ये, ये, ये चौथा रो चौथा रो ऐसे तो हम लोग ने क्या किया इनके इनको नंबर दे दिया तो ये पहला रो इसलिए वन दूसरा है तो इसलिए टू तीसरा इसलिए थ्री चौथा रो इसलिए फोर

तो उनको भी नंबरिंग दी गई है तो पहले वाले कॉलम को को दूसरे वाले ऐसे ओके ओके फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18. तो ऐसे कॉलम्स है हमारे पास इन अठारह वर्टिकल कॉलम्स को हम लोग ग्रुप्स कहते हैं ओके इन सारे हर एक वर्टिकल कॉलम को हम लोग ग्रुप कहते हैं तो ऐसे नंबरिंग ने थोड़ी थोड़ा अलग टाइप का नंबरिंग भी है हमारे पास ओके जिनमें ना ये बीच वाले जो कॉलम्स है ना इनकी नंबरिंग नहीं हमको अभी देखनी है ये जो पहले दो कॉलम्स है ना इनकी नंबरिंग थोड़ी अलग तरीके से कैसी है यहाँ पर वन ए बोला गया है वन को टू वाले, वाले को टू ए बोला गया है कुछ नहीं रोमन में वन और टू लिखा गया है ए लगा दिया गया है बस खत्म फिर ये बीच में के छोड़ दो ये जो ग्रुप थर्टीन है ना इसको थ्री ए बोला गया है को को ए ए सिक्सटीन को सिक्स ए सेवनटीन को सेवन ओके okay? और एटीन जो है ना आप कहोगे सर एट ए बिल्कुल गलत एट ए नहीं है अब मैं तो मजाक ही कर रहा हूं बस इनका ही चल रहा है ना मतलब सिस्टम मैंने कहा दिया है नाम ओके okay? मेरे को मेरे पे गुस्सा क्यों मतलब मत होना मैं थोड़ी नाम दे रहा हूँ पहले से ही नाम दिया मैं भी ऐसे प्रेडिक्ट कर रहा था भैया सेवन ए के बाद एट होना चाहिए पर इन लोगों ने इसको ना जीरो ग्रुप करके नाम दिया है ओके अब ये जीरो ग्रुप करके नाम देना भी अलग ही चीज है इसको ओके क्यों ऐसा दिया हुआ है वगैरह वगैरह वो आपको थोड़ा बहुत हिंट तो मैंने पहले भी दिया था ओके ये जो हीलियम था या फिर नियोन था या फिर हम लोग ने आर्गन देखा थोड़ा याद करने की कोशिश करो हीलियम यहाँ पर नियोन यहाँ पर देखो आर्गन क्या है इनकी वैलेंसी जीरो 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 ओके तो इसके लिए फिर इनका नाम जीरो ग्रुप कर दिया गया होगा ओके तो थोड़ा बहुत हम लोग कोरिलेशन लगा सकते अब देखो इनकी वैलेंसी जीरो जीरो, जीरो है ना तो ऐसे याद रख लो आप ओके अब जीरो ग्रुप नाम दिया है एग्जैक्टली exactly उस चीज में जाने की जरूरत नहीं जीरो ग्रुप नाम दिया है करेक्ट वैलेंसीज भी इनकी जीरो है तो ऐसा थोड़ा बहुत को कर लो ओके जीरो 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 क्लियर ओके तो जीरो ग्रुप ऐसे ठीक है सब बात समझ में आ गई तो ये जो दो बेसिक चीजें थी हमें पीरियोडिक टेबल समझने के लिए वो हम लोगों ने कवर कर लिए अब समझने वाली बात क्या है हमें हमें में क्या समझ रहे हैं हमें एलिमेंट्स की वैलेंसी इसको पीरियोडिक टेबल के ग्रुप के नंबर के साथ तो कुछ कनेक्शन देखना है उसका बन रहा है है क्या ओके और बिल्कुल बनता है. ओके? तो चलो एक एक करके देखते हैं सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं मालूम है हम लोग ना फिर से एलिमेंट्स की वैलेंसी लिखते हैं तो मुझे तो आप याद है ओके आपको अगर याद नहीं होगा तो हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही जो लिस्ट देखा था एलिमेंट्स का ओके यहां पर देखो ये वाला एलिमेंट का लिस्ट ओके okay, ये आप रेफर कर सकते हो और फिर मैं यहाँ पर इस वाले पीरियोडिक टेबल में लिख रहा हूं okay, एलिमेंट के ऊपर नाम के ही सिंबल के ही ऊपर लिख रहा हूँ तो आप भी वैसे कर सकते हो तो हाइड्रोजन का है वन ही भाई हीलियम का जीरो है ओके okay, फिर से सोडियम फिर से लिथियम आ गया तो लिथियम का वन बेरिलियम का टू फिर बोरॉन का थ्री कार्बन का फोर नाइट्रोजन का देखो थ्री ओके okay, फाइव नहीं है फिर ऑक्सीजन का टू फ्लोरिन का वन न्यून का जीरो ओके okay, फिर से आ गया हम लोग का सोडियम वन फिर से मैग्नीशियम टू एल्यूमिनियम थ्री सिलिकन फोर पर फोर के बाद फॉस्फरस फॉस्फरस थ्री है फाइव नहीं है और फिर ऐसी उल्टी गाड़ी चलती रहेगी फॉस्फरस के बाद सल्फर टू क्लोरिन वन, वन, और फिर से आएगा हमारा पोटेशियम जो है वन कैल्शियम टू यही तक ही जाना है तो हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं देखो भाई वन टू फोर फोर टू जीरो वही चीज फिर से देखो वन टू थ्री फोर तो वन टू फोर करेक्ट और फिर से 4 से लेके 0 तक तो जा रहा है 4 3 2 1 0 उसी तरह से यहां पर भी देखो 1 2 3 4 करेक्ट फिर से 4 3 2 1 0 तो ये वाला पैटर्न हम लोग को पहले भी पता था फिर से एक बार मैंने इस टेबल में बता दिया आपको ओके आगे अब ये ये चीज मैंने क्यों लिखी होगी क्योंकि ये बात समझाने के लिए अब अब ध्यान से ऐसे हॉरिजॉन्टल मत देखना वर्टिकल देखना वर्टिकल कॉलम्स के साइड में देखना सेम वर्टिकल कॉलम में और यहां पर देखो पोटेशियम भी वन तो सेम वर्टिकल कॉलम में वैलेंसी क्या है एलिमेंट्स की सेम है समझ में आ गई तो सेम वर्टिकल कॉलम मतलब सेम हम लोग वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहते हैं ना तो हम लोग कह सकते हैं कि सेम ग्रुप में भाई सेम वैलेंसी है ओके okay, एलिमेंट्स के एटम्स की सेम ग्रुप में सेम वैलेंसी एक ही पर क्यों से, मतलब सेटल हो रहे हो ना और एक एग्जाम्पल देख लेते देखो ये दूसरा वाला ग्रुप सेम वैलेंसी

अब एकदम एग्जैक्ट कनेक्शन समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम लोग ने देखा बैलेंस जो थी ओके यहां पर वन फिर से मैं लिख रहा हूं यहां पर जीरो समझने के लिए सिर्फ देखो आप ये चीज समझाने को फिर से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मैं भी देखो खुद ही फाइव सिक्स सेवन लिख गया फटाफट लिखते चक्कर में फिर से थ्री टू वन जीरो है ओके और फिर यहां पर वन टू थ्री फोर थ्री टू वन जीरो अब देखना ध्यान से ओके हम लोग ना नाम भी लिखेंगे ग्रुप के तो थोड़ा बहुत और आसानी भी होगी तो ये है वन ए 2a है टू ए फिर ये जो है ये हमारा थ्री ए है ओके थ्री ए फिर ये है फोर ए फिर ये फाइव ए ये सिक्स ए ये सेवन ए और ये है जीरो ओके चलो तो देखना ध्यान से वन ए की वैलेंसी वन 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 करेक्ट टू ए ग्रुप की वैलेंसी टू टू मतलब वन की वन 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 टू ए की टू टू वैसे ही थ्री ए की थ्री थ्री फोर ए की फोर फोर अब बोलोगे सर फाइव ए की फाइव फाइव गलत हो जाएगा देखो फाइव ए की थ्री थ्री है ओके okay. तो इसका मतलब वन ए से लेके फोर ए तक ओके okay. वैलेंसी कैसी बढ़ रही है वन टू थ्री फोर वन ए से लेके ओके फोर ए तक वैलेंसी बढ़ रही है वन से लेके फोर तक ओके अब वैलेंसी ऐसे तो बढ़ भी रही है और यहां पर हम लोग समझ रहे हैं कि भाई वैलेंसी जो है ग्रुप का नंबर से मैच हो रही है देखो वैलेंसी वन है ग्रुप का नंबर वन मैच हो रही है वैलेंसी टू है ग्रुप के नंबर से टू ए वैलेंसी थ्री ग्रुप के नंबर के साथ मैच हो रही है थ्री ग्रुप नंबर थ्री ए वैलेंसी फोर ग्रुप के नंबर के साथ मैच हो रही है फोर ए समझ में आ गई बात तो फोर ए तक क्या हम लोग याद रखेंगे वैलेंसी ग्रुप नंबर से मैच हो रही है सिंपल लॉजिक दिमाग में चिपक गया वन ए टू नंबर के साथ मैच हो रही है इज इक्वल अपर ए करेक्ट फोर ए के बाद क्या होगा फोर ए के बाद हम लोग को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा क्या करना है मालूम है फोर ए के बाद ना फाइव ए जो है सिक्स ए है सेवन ए है या फिर ये जो जीरो ग्रुप है

क्लियर क्लियर तो जीरो ही है इसकी वैलेंसी बात समझ में आ गई तो वन टू थ्री फोर तक भाई वैलेंसी इज इक्वल्स टू ग्रुप नंबर one, two, three, four. Four A के बाद हम लोग को एट माइनस ग्रुप नंबर करना है तो हमें वैलेंसी मिल जाएगी खत्म यही कुछ रिलेशन है भाई हमारे वैलेंसी और ग्रुप नंबर का ओके okay, ग्रुप नंबर को, क्या है ग्रुप नंबर ऑफ द पीरियोडिक टेबल का ओके okay, वैलेंसी और ग्रुप नंबर ऑफ द पीरियोडिक टेबल का क्लियर तो ये छोटी सी दो चीजें हमको बस याद रखनी है बात समझ में आ गई और इंटरेस्टिंग सी चीज़ों हम लोग ने देखी कि भाई सेम ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी भाई सेम सेम है तो ये भी चीज दिमाग में चिपका के रखनी है क्लियर चलो अब इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट तो हम लोग ने पढ़ लिया है ओके तो थोड़ा सा टाइम आ गया कि इस वीडियो में हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट पढ़े ना एक बार देख लेते कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करके कि, कि कितना समझ में आया है हमें ओके तो पहला क्वेश्चन है राइट द सिंबल्स एंड द वैलेंसीज ऑफ द फॉलोइंग रेडिकल्स अब देखो एक बार सिंबल लिख दिया ना रेडिकल का वैलेंसी तो चुटकियों में हो जाएगी क्योंकि जब सिंबल लिखेंगे हम लोग तब उसका चार्ज भी लिखेंगे चार्ज चार्ज लिखते ही वैलेंसी वैलेंसी तो तो एकदम के सामने जो चार्ज, वो ही बस प्लस माइनस हटा दो ओके तो चलो पहला क्या पूछा है कौन से रेडिकल का सिंबल और वैलेंसी पूछी मैग्नीशियम तो याद करना है मैग्नीशियम ओके टू प्लस था करेक्ट टू प्लस तो देखो एम जी टू प्लस तो वैलेंसी भाई अब बताने की जरूरत नहीं टू ओके तो मैं सामने सामने वैलेंसी लिख रहा हूं ओके फिर अमोनियम एन एच फोर प्लस जब भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे ना जैसे आपको क्वेश्चन दिखे तो आप पॉज कर लेना और फिर बाद में खुद ट्राई करना है और फिर आंसर को चेक करने के लिए फिर से रिज्यूम बैक करके देख लेना इससे क्या होगा भाई आप आपका दिमाग दौड़ाओगे चलाओगे आप, आपका दिमाग नहीं तो फिर ऐसे ही काउच पोटाटो की तरह बैठे होगे जैसे कि मूवी देख रहे हैं कार्टून देख रहे और ये वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे तो कोई फायदा नहीं होगा आपका दिमाग अगर साइंस में काम नहीं करेगा तो साइंस सीखोगे ही नहीं आप ओके क्लियर और मजा तो बिल्कुल भी नहीं आएगा चलो आगे बढ़ते तो अमोनियम का है एन NH4+ फोर प्लस मतलब वन प्लस तो वन है भाई इसकी वैलेंसी उसी तरह से कार्बोनेट का है CO3 थ्री टू माइनस करेक्ट तो टू माइनस में टू टू ओके टू हो गए उसकी वैलेंसी फिर है नाइट्रेट करेक्ट तो NO3- थ्री माइनस फिर ये वन माइनस है तो बैलेंसी वन क्लियर फिर है ऑक्साइड ऑक्साइड का मैंने कहा था ओ टू माइनस है सिर्फ ओ टू माइनस ओ के ऊपर दो माइनस ओके ऐसा मत लिखना ओ टू और फिर माइनस ये कुछ अलग हो जाएगा ओके पहले से बता रखा बता रहा हूं मैं ओके कुछ अलग अलग रेडिकल का ही नाम लिख दोगे आप ठीक है क्या था वो जानने की अभी जरूरत नहीं है पर चलो आगे बढ़ते तो ऑक्साइड ओ टू माइनस ओ टू माइनस मतलब टू माइनस है मतलब बैलेंसी टू तो, और फिर बायसल्फेट बायसल्फेट का है भाई आप देखो सल्फेट बायसल्फेट इसको हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हैं तो बायसल्फेट हाइड्रोजन सल्फेट तो हाइड्रोजन पहले लगाना है सल्फेट बाद में चलो अब जब भी हम लोग हाइड्रोजन लगाएंगे आगे सल्फेट के पहले ओके सल्फेट तो है टू माइनस जब हाइड्रोजन लगाएंगे आगे तो एक माइनस चार्ज कम करेंगे तो मैं इस टू को हटा दूंगा करेक्ट तो माइनस ही हो जाएगा सिर्फ एक माइनस चार्ज कम कर दे तो वन माइनस वन माइनस मतलब माइनस तो ये हो गया HSO4 एस ओके उसका सिंबल वैलेंसी क्या है भाई वन माइनस तो मतलब वैलेंसी वन ठीक है बाद में है एल्यूमिनियम आयन एल्यूमिनियम है Al 3 थ्री प्लस थ्री वाला आयन था ये तो थ्री प्लस मतलब वैलेंसी थ्री ओके तो ये बस थोड़ी बहुत याद रखने वाली चीज है

एट माइनस ग्रुप नंबर करना है तो सिक्स है मतलब एट माइनस सिक्स कर दिया मैंने जो भी आंसर आएगा वो वैलेंसी होगी उस ग्रुप के एलिमेंट्स की जिनकी वैलेंसी टू है जो ग्रुप सिक्स से बिलोंग कर रहे हैं उनके नाम पूछ रहे हमें ओके okay, इसके लिए थोड़ा बहुत हमें ना दिमाग लगाना है और थोड़ा बहुत जो याद की हुई चीज है ना वो याद रखनी है तो मैंने बताया था देखो आपको लाइन में लिखना इसीलिए ना, ना तो हाइड्रोजन याद रखने की चीज मतलब याद रखने की जरूरत है ऑटोमेटिक सब चीजें समझ में आएगी तो देखो हाइड्रोजन और हीलियम एक कॉर्नर में ये था एक कॉर्नर में वो था करेक्ट फिर बाद में फिर से आया लिथियम यहां से फिर बेरिलियम था बीच में लंबा सा गैप था ओके पर हम लोग क्या करेंगे उस लंबे से गैप को इग्नोर करेंगे क्योंकि हम लोग वन ए टू ए सिक्स ए सेवन एंबरिंग देख रहे ना? वाला में, बीच वाले की नंबरिंग की कोई जरूरत नहीं थी देखो ऐसे वाले एलिमेंट्स के केस में बीच वाले एलिमेंट की नंबरिंग में कोई कुछ था कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था तो बीच वाले एलिमेंट मैंने हटाई दिए ओके इनको लिखने के लिए ओके चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग तो यहाँ पर देखो बीच वाले एलिमेंट को मैंने हटा दिया बेरिलियम के बाद सीधा बीच में जो था उड़ा दिया बेरिलियम के बाद था बोरॉन तो मैंने बोरॉन लिख दिया बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन ओके, नाम हमको याद है एलिमेंट्स के बस उसी सीक्वेंस में silicon, sulfur, chlorine, और फिर बाद में लास्ट में पोटेशियम और कैल्शियम फिर से आर्गन के बाद फिर से गाड़ी यहाँ पर लिखेगी तो देखो ऐसे कॉलम्स मैंने बना दिए फटाफट एकदम ठीक है एक, एक लाइन में लिखा था उनको ही मैंने जोड़ दिया अब मैं क्या करूंगा भाई अब मैं सिर्फ ग्रुप का नंबर लिखूंगा तो मुझे मिल जाएगा कि भाई कौन से ग्रुप ग्रुप में कौ, कौन से में कौन कौन से, से तो हाइड्रोजन वा दूसरा वाला टू ए तीसरा वाला थ्री चौथा वाला फोर ए और हमें चाहिए था सिक्स ए मिल गया देखो सिक्स ए में है ऑक्सीजन और सल्फर तो नियम टूसाट ऑक्सीजन सल्फर मिल गया आंसर ओके तो चीजें ऐसी नहीं है कि सारी की सारी याद ही रख के कर सकते हैं हम लोग ओके कुछ चीजें थोड़ी दिमाग लगाएंगे ना तो भी हो जाएंगी ओके क्लियर इसी के साथ बच्चों हम लोग ने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ लिया है आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी आपको मजा आया होगा समझने के लिए ओके और ये चीज मुझे बिल्कुल बताना कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का बिल्कुल वेट करूंगा ओके बाकी आप सभी को पता है लर्न हो मतलब फ्री है पर बेस्ट है तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के कॉन्सेप्ट के साथ तब तक के लिए आप पढ़ते रहो स्टे ट्यून बाय एंड हैव अ ग्रेट डे